ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तूल पकड़ती जा रही है, लगभग 3 दिन हो चुके हैं ये खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मेनस्ट्रीम मीडिया इसे कवर भी नहीं करना चाहता, ना इस पर बात करना चाहता है, मगर लगभग 3 दिन से ये खबर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। मुसलमानों में काफी गुस्सा है, बहुत से मुसलमान इस खबर पर रिएक्शंस दे रहे हैं। असदुद्दीन आवेजी ने भी इस खबर को लेकर सरकार पर हमला बोला है। खबर क्या है ये भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शर्मनाक करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भीड़ ने कोल्हापुर में एक मस्जिद पर हमला किया और तोड़फोड़ की। वीडियो आपके सामने है। भीड़ भगवा झंडा लेकर मस्जिद पर चढ़ी हुई है और हथौड़ों से मीनार तोड़ रही है। वहीं दूसरा शख्स भगवा झंडा लहरा रहा है। हिंदुत्ववादी भीड़ जय श्री राम का नारा लगाते हुए गसपुर गांव में मस्जिद को तोड़ रही है। इस मस्जिद को क्यों तोड़ा जा रहा है आगे आपको बताएंगे। मुसलमान काफी आग बगुला है और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मस्जिद को शहीद क्यों किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कथित तौर पर संभाजी राजे छत्रपति अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये तोड़फोड़ की जा रही थी। चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं कि लोग इस खबर को लेकर क्या लिख रहे हैं और कैसे अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों की क्या मांगे हैं सब कुछ आपको तफसील से बताते हैं। अपनी जुबानी नहीं बल्कि उन्हीं का लिखा आपके सामने पेश करेंगे। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गया जानिमाजों को जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशा ही बनी बैठी है। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डिलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों की और रिलीजियस प्लेस की, इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों को अरेस्ट करें आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशा ही बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज़ उठाए ना। वो जो लोग, वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुँह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुँह से। सबसे पहले आप जान लीजिए असदुद्दीन आवेजी ने क्या लिखा। उन्होंने 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने वाले दिन का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस और CM एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। आवेजी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, 6 दिसंबर जारी है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आपकी सरकार के तहत एक मस्जिद पर भीड़ के जरिए हमला किया जाता है, ये कानून पर हमला है, लेकिन आपकी सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के जरिए से जवाब देना चाहिए ताकि आपकी पार्टी MIM के उम्मीदवार आने वाले चुनावों में जीते और भीड़ और उन्हें ताकत और सपोर्ट देने वाले राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को रोका जा सके। और उन पार्टियों की चुप्पी को याद रखें जो दावा कर रही है कि उन्होंने नैतिक जीत हासिल की है। दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए कि हमला कैसे हुआ और मामले ने तूल कैसे पकड़ा। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशालगढ़ अतिक्रमण विरोधी आंदोलन के नाम पर कोल्हापुर में संभाजी राजे छत्रपति और उनके सपोर्टर्स पिछले 1 साल से विशालगढ़ किले पर नाजायज कब्जे को हटाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। अतिक्रमण के खुले मुखालिफ रहे संभाजी राजे ने पिछले हफ्ते किले पर विरोध प्रदर्शन यानी एहतजाज करने का ऐलान किया था। हालांकि इसके लिए कोई ऑफिशियल या कानूनी इजाजत नहीं मिली
रही थी, इसके बावजूद उनके समर्थक और हिंदूवादी संगठनों के सदस्य सैटरडे रात से ही किले पर जुटने लगे। संडे सुबह को कुछ शरपसंदों के जरिए किले के रहमान मलिक दरगाह पर, जैसा कि इल्जाम लग रहा है, पथराव किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें कुछ मकामी लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ शरपसंदों ने कथित तौर पर मस्जिद के बाहर जय श्री राम और कुछ काबिले एतराज नारे भी लगाए। वारिस पठान बाबरी मस्जिद और अब जिस मस्जिद पर हमला हुआ, इस मस्जिद की इमेज लगाते हुए लिखते हैं, कुछ भी तो नहीं बदला, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, 6 दिसंबर 1992, 14 जुलाई 2024। विनय दुबे भी बाबरी मस्जिद और हालिया मस्जिद की इमेज शेयर करते हुए लिखते हैं, साल बदला है पर हाल आज भी वही है। महाराष्ट्र में बुरी तरह हारने पर अपना गुस्सा मस्जिद पर ही निकाल सकते हैं और इनसे आप इच्छा करने की उम्मीद ही क्या कर सकते हो। #AllEyesOnMosqueAttack। शैलेश वर्मा एक मीडिया रिपोर्ट का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, कहा है प्रशासन, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तैयब अली के होटल में नपुंसक भीड़ ने तोड़फोड़ की, लूटपाट की, होटल को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और तो और उनकी छोटी बेटी पर भी हमला किया। ये दंगाई भीड़ आतंकियों से कम है क्या, आप बताइए। अभिनव पांडे लल्लन टॉप के पत्रकार इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, इसी बरस चुनाव है, महाराष्ट्र में तनाव है, तस्वीरें कोल्हापुर की है, इस तरह का समाज गढ़ा जा रहा है। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रविवार को भीड़ एक मस्जिद की छत पर चढ़ गई और भगवा झंडा लगा दिया। DGP महाराष्ट्र त्वरित इन गुंडों पर कार्रवाई करे, हम इन्हें आतंकी लिखेंगे तो पुलिस मॉब लिंचिंग शब्द की तर्ज पर बुरा मान जाएंगी। जुबेर भी इसी न्यूज को शेयर करते हुए लिखते हैं, महाराष्ट्र में मस्जिद और कई मुस्लिम घरों को निशाना बनाकर की गई हिंसा पर ज्यादातर समाचार चैनल क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विशालगढ़ किले से 5 किलोमीटर दूर गसपुर गांव में राइट विंग भीड़ को जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसते और उस पर चढ़ते और मस्जिद के अंदर सब कुछ तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। ऑल्ट न्यूज पत्रकार मोहम्मद जुबैर अपने अगले ट्वीट में बहुत से पत्रकारों को टैग करते हुए लिखते हैं, 2 दिन हो गए हैं, क्या आप सभी पत्रकारों ने मस्जिद पर हमले और मुस्लिम कम्युनिटी के घरों और दुकानों पर राइट विंग ग्रुप्स के जरिए किए गए हमले को नॉर्मल बना दिया है? आप सभी को इस पर रिपोर्टिंग करने से क्या रोक रहा है? क्या इसलिए क्योंकि ये भाजपा शासित राज्य में हुआ है या इसलिए क्योंकि आप हमले के लिए जिम्मेदार सरकार और संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? क्या आप सभी लोग तभी अपनी जबान खोलेंगे जब मुल्जिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से होगा या जब घटना किसी ऐसे राज्य में होगी जहां भाजपा सत्ता में न हो? उन्होंने बहुत से पत्रकारों को ट्वीट किया है, उनके नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये थी इस वक्त की मुसलमानों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप लोगों की राय क्या है इस न्यूज को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले किसी जरूरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।